हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी जो निकली है उनके लिए क्लासेस लेकर प्रतिदिन आ रहे हैं दोस्तों, और हम उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो 2016 में आपके एग्जाम में आ चुके हैं, यानी प्रीवियसर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि आपको एक लेवल पता चल जाए कि अगर एग्जाम अब आए तो किस प्रकार का आएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन आने की उनमें भी संभावना होती है, तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल डिटेल से समझा करें। मैं समझाता हूँ, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से इसलिए समझाता हूँ कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देर ना करते अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। चलिए, 21 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, 22वें नंबर के क्वेश्चन से हमको क्वेश्चन देखना है। तो 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है, मैं क्या कहता देखते हैं। एमएस एक्सेल में खालिस्तान फंक्शन कैटेगरी उपलब्ध नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक कैटेगरी के बारे में बात हो रही है और वो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक फंक्शन है जो एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉजिकल, बी हो जाएगा सीरीज, और सी हो जाएगा वित्तीय, और डी हो जाएगा टैक्स। तो याद रखिए दोस्तों, लॉजिकल फॉर्मूले तो एक्सेल में लगते हैं, आप जानते ही हो, ठीक है। सीरीज जो है दोस्तों, तो सीरीज हमारी एक्सेल में नहीं लगती है, याद रखिए। सीरीज जो फंक्शन होता है वह हमारे एमएस एक्सेल में नहीं होता है। वित्तीय, तो आपने देखा होगा वित्तीय के जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे लगते हैं, ठीक है ना। इस पर टैक्स, टैक्स तो आप लिख सकते हैं एमएस एक्सेल पर। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सीरीज इज द राइट आंसर। अच्छा, जब भी एक्सेल की बात आती है, मैं आपको एक्सेल के कई बार एक क्वेश्चन बताता हूँ कि एक्सेल से बनता है, कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जब स्टार्ट होता है, चाहे वह सम का फॉर्मूला हो, चाहे वह इफ का फॉर्मूला हो, तो याद रखिए हर फॉर्मूले के पहले इक्वल यानी बराबर का साइन लगाना जरूरी होता है। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों, ठीक है ना, कि क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एमएस एक्सेल में फंक्शन के पहले कौन सा चिन्ह या कौन सा साइन इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है? बराबर का किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। आज हम थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि थोड़े थोड़े मुझे भी लगने लगा है कि टाइम पास है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन को बढ़ा देना चाहिए, और हम जैसे ही ये सीरीज खत्म करेंगे तो आपको आने वाले समय में और भी अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको और बताना चाहता हूँ क्लास में, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित अनुसूचित भुगतान राशि की गणना करता है। याद रखिए, ये एक्सेल की क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और एक्सेल की क्लास ऑलरेडी हमारे चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस पर डली हुई है, अगर आप देखेंगे। और अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं एक नए सिरे से एक नए लेवल पर एडवांस जो क्वेश्चन अब आपके बनने वाले उनकी क्लास लेकर आऊंगा। अभी इस क्वेश्चन को देखिए कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित अनुसूचित भुगतान राशि की गणना करता है। ऑप्शन हो जाएगा एबीजी, यानी एबीजी का मतलब होता है एवरेज, बी का मतलब, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा एनपीईआर, और हमारा सी का ऑप्शन हो जाएगा पीएमटी, और डी का हो जाएगा यहाँ पर हमारा पीवी। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा पीएमटी, प्रिंसिपल अमाउंट टोटल, ठीक है ना। ये आपको जिसको फुल फॉर्म इसका पता हो कमेंट बॉक्स में बता सकता है दोस्तों। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद है, किसी को दिक्कत तो नहीं। चलिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या कहता है, 24वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आंतरिक बिजली की आपूर्ति खालिस्तान कहलाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो आंतरिक जो बिजली की आपूर्ति होती है दोस्तों, वह क्या कहलाती है, आपको बताना। ए ऑप्शन हो जाएगा एसएमपीएस, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा एसी, सी हो जाएगा डीसी, और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो याद रखिए दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, आंतरिक बिजली की जो आपूर्ति होती है वह क्या कहलाती है, एसएमपीएस दोस्तों, SMPS। क्लियर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, एक और ऑप्शन नीचे दिया गया, AC। AC का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा AC का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, जिसको पता वो बता सकता है। DC का मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट करंट होता है दोस्तों। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन याद रखिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो आपका आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स का 2016 में पेपर हुआ था, और सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट के ये क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। याद रखिए, कोई अलग से क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं मैं करा इनको इसलिए रहा हूं कि इनसे क्वेश्चन और कैसे बन सकती है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक पीसी को, यानी पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, याद रखिए, एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिस्क होती है दोस्तों। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कि एक पीसी को
कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिस्क होती है। तो देखते हैं कौन सी डिस्क होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा रोम डिस्क, बिल्कुल नहीं होगी ये। बी हो जाएगा सिस्टम डिस्क, हाँ ये हो सकती है। और हमारा सी हो जाएगा डायग्नोस्टिक डिस्क, ये नहीं हो सकती है। और इसके बाद हमारा अगला हो जाएगा प्रॉब्लम डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है कि एक पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को कोल्ड बूट करने के लिए जो इस्तेमाल होती है डिस्क, उसको बोलते हैं सिस्टम डिस्क। दोस्तों क्या बोलते हैं? सिस्टम डिस्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आया यहां पर आपने देखा होंगे रोम लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो यहां पर इसका लेकिन क्वेश्चन क्या पूछे गए थे? एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल होता है तो सिस्टम डिस्क होता है। याद रखिए, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। याद रखिए प्रतिदिन ये क्लास सुबह 8 बजे आपके लिए पब्लिक होती है, ताकि आप सुबह से उठें। मैं ज्यादा बड़ी क्लासेस इसलिए भी नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप लोग भी बोर होने लगेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आपको डोज देता चल रहा हूँ, जैसे जैसे समय करीब आएगा हम क्लासेस को बढ़ाते जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहां तक क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26वें नंबर का। निम्न में से कौन सा एक संख्यात्मक डेटा नहीं है? हमको बताना है कुछ, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमको बताना है कि संख्यात्मक जिसमें संख्या का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मचारी का पता, बी हो जाएगा परीक्षा का स्कोर, सी हो जाएगा बैंक राशि, और सी हो जाएगा डी हो जाएगा हमारा कर्मचारियों की संख्या। सभी को पता है यार ये तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग वैसे ही बता सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इनमें से कौन सा संख्यात्मक डेटा नहीं है। तो कर्मचारियों का पता, जैसे आप अपने घर का पता बताओगे तो अकॉर्डिंग में बताओगे 6 5 3 2 1 नहीं ना, ये बताओगे कि मैं एमपी नगर भोपाल में रहता हूँ, मैं इंदौर विजयनगर में रहता हूँ। तो ये इसमें कोई संख्या का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। कभी कभी याद रखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, अच्छे से उनको देखें। चलिए 27वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए नीचे, और आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस, ए ऑप्शन हो जाएगा डॉस, बी हो जाएगा लिनक्स, सी हो जाएगा विंडोज, और डी हो जाएगा ओरेकल। सभी को बताया डॉस हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अधिकतर आप सभी को पता है कि अगर आप हमारी क्लासेस भी लैपटॉप या कंप्यूटर पर देख रहे होंगे तो उसमें विंडोज ही यूज होती है, ठीक है ना। इतना क्लियर है? अच्छा एक कभी कभी एंड्रॉइड भी आ जाता है, ठीक है ना। तो एंड्रॉइड भी हमारा एक ऑपरेटिंग ही सिस्टम है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओरेकल हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ, ओरेकल, ओरेकल हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और यही हमारा तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वे अनुदेश जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, किसकी बात हो रही है? एक अनुदेशों की बात हो रही है, जो कंप्यूटर को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसे करना है, उन्हें क्या कहा जाता है। याद रखिए कंप्यूटर में एक निर्देश होते हैं जिनको वो निर्देश देते हैं कंप्यूटर को कार्य को कैसा करना है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, जैसे आप हमारी क्लास में यूट्यूब पर देख रहे होगे, तो आप एक क्या दोगे इसको, आदेश दोगे, निर्देश दोगे कि मुझको आईटीआई ट्रेनिंग की क्लास देखनी है द एग्जाम एक्सपर्ट पे, तो आपने तो दे दिया उसको लिखकर, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शंस काम करते हैं वो कैसे करते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोग्राम, बी हो जाएगा प्रोसेसर, सी हो जाएगा इनपुट डिवाइस, और डी हो जाएगा हमारा मेमोरी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो वे अनुदेश, कौन से अनुदेश? प्रोग्राम दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम, प्रोग्राम वे अनुदेश, प्रोग्राम वे अनुदेश जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसा करना है। तो कौन देता है अनुदेश? वे प्रोग्राम देते हैं दोस्तों। प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम कंप्यूटर में फिट किए जाते हैं पहले से, जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तो उनमें लैंग्वेज डाली जाती है, प्रोग्राम डाले जाते हैं दोस्तों, तो उनमें इसको फिट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो प्रोग्राम वे होते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि काम को कैसे करना है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक ना। इनपुट डिवाइस, मेमोरी मॉड्यूल, ये कोई नहीं है इनमें से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण है दोस्तों। सिंप्लेक्स संचार क्या कहलाते हैं आपको बताना है, ठीक है ना। सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कीबोर्ड की परंपरागत मॉनिटर, बी ऑप्शन हो जाएगा टेलीफोन एवं मोबाइल, सी हो जाएगा वॉकी टॉकी, और डी हो जाएगा हमारा दो हजार में डेटा प्रणाली। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सिंप्लेक्स संचार का सीधा साधा उदाहरण है वह हमारा कीबोर्ड एवं परंपरागत मॉनिटर है दोस्तों। कौन सा है? कीबोर्ड एवं परंपरागत मॉनिटर। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों? चलिए हम आज थोड़े जल्दी क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन
आप लोगों की हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एमएस वर्ड में लाइनों के बीच अंतराल को क्या कहते हैं दोस्तों। तो एमएस वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्टिकल स्पेसिंग, बी हो जाएगा डबल स्पेस, सी हो जाएगा सिंगल स्पेस और डी हो जाएगा हमारा लाइन स्पेसिंग दोस्तों। तो याद रखिए एमएस वर्ड में जो लाइनों के बीच का अंतराल होता है उसको हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या बोलते हैं? एमएस वर्ड में जो लाइनों के बीच अंतराल होता है हम उसको लाइन स्पेस बोलते हैं। और कहीं कहीं यहाँ पर आपको एग्जाम में स्पेस भी दिखा मिलेगा, स्पेसिंग भी मिलेगा और स्पेस भी मिलेगा। मैं दोनों लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन कहता है हमारा पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है दोस्तों। ठीक है, पावर पॉइंट की बात हो रही है, याद रखिए किसकी बात हो रही है? पावर पॉइंट की बात हो रही है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें। तो पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए, मैंने ऐसा क्यों कहा अच्छे से पढ़ा करें उसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंट्रोल एन, बी हो जाएगा कंट्रोल एन, सी हो जाएगा कंट्रोल एस और डी हो जाएगा अल्ट एन। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल प्लस, कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। तो अगर एक नई स्लाइड अगर आपको लेनी है पावर पॉइंट में तो आप कौन सी लेंगे दोस्तों? तो कंट्रोल प्लस एम यूज करेंगे तो आपको एक नई स्लाइड मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है? दिक्कत तो नहीं आता किसी को? चलिए अगर आपको बता दें पावर पॉइंट में तो आपने कंट्रोल एम दबा दी, अगर एमएस वर्ड में होते तो कंट्रोल एन दबाते तो आपको एक नया पेज मिल जाता, नए डॉक्यूमेंट पे ले जाता आपको। कंट्रोल एस से क्या होता है? कंट्रोल एस से फाइल सेव होती है, ठीक है ना। चलिए इतना क्लियर है, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन कहता है बूट अप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को खाली स्थान में भंडारित किया जाता है दोस्तों। बूट अप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को खाली स्थान में भंडारित किया जाता है तो किस में भंडारित किया जाता है? ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा रैम, बी हो जाएगा हमारा सीपीयू और सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा रोम बायोस और डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बूट। तो याद रखिए बूटअप के दौरान जब सिस्टम बूटअप होता है तो निर्देशों को किसमें स्टोरेज करके भंडारित किया जाता है दोस्तों? तो याद रखिए रोम बायोस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसमें किया जाता है? रोम बायोस में किया जाता है। अच्छा रोम का फुल फॉर्म मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूं, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म मैंने आपको अभी नहीं बताया है, तो रैम का भी बता देता हूँ। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों। क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सीपीयू का सबको पता ही होगा, सीपीयू का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। कई बार एग्जाम में आप ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते यहीं से हैं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत होती है। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन यानी अपने 33वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, निम्न में से क्या अनुपातों के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिर से देख लेते हैं। निम्न में से क्या अनुपातों के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता है हमको आपको बताना है ये क्वेश्चन। चलिए पहले इनके चार ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इनके पहला जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? तो लीवरेज हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? लीवरेज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा हो जाएगा हमारा लिक्विडिटी। उसी तीसरा हो जाएगा हमारा प्रोफिटेबिलिटी और डी हो जाएगा हमारा परचेज दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो परचेज हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से क्या अनुपातों के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो परचेज नहीं आता है, बाकी लिवरेज आता है, लिक्विडिटी आता है और प्रोफिटेबिलिटी भी आता है दोस्तों, ठीक है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की ओर भी हम जल्दी से बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ई बी सी डी आई सी यानी एबडेक कोड के कितने कैरेक्टर को धारण करता है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा 256, बी हो जाएगा 32, सी हो जाएगा 816 और डी हो जाएगा 64। तो कितने को करता है? तो 256 को करता है दोस्तों। एबडेक जो होता है दोस्तों कितने कोड को कैरेक्टर को धारण करता है? 256 कोड के कैरेक्टर को धारण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा एक्सेल में रो डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करने या इसकी विपरीत प्रक्रिया करने वाले फंक्शन क्या है दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, दो बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। एक्सेल में रो डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करने या इसके विपरीत प्रक्रिया करने या क्रिया करने का वाला फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा मर्ज, बी हो जाएगा ट्रांसपोज, सी हो जाएगा गेटवे और डी हो जाएगा हमारा
स्टेट टेक सिलेक्ट कर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, यहाँ पर कुछ डिवाइस दी गई है जो स्टोरेज डिवाइस है, इनमें से हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी एक हमारी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों प्लोटर्स, बी हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, और हमारा सी हो जाएगा पेन ड्राइव, और डी हो जाएगा सीडी। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, याद रखिए ऐसे ही सेम क्वेश्चन थोड़ी सी भाषा चेंज करके आपको मैं ऊपर दिया था, और उसी उसका कहते हैं आप 2016 की वाली शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन उसी शिफ्ट का है 9 बजे वाली का, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा तोड़ मड़ो के आपके सामने दे दिया गया क्वेश्चन, फिर से वही पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा प्लॉटर, भी हो जाएगा हार्ड डिस्क, हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों पेन ड्राइव, हो जाएगा सी डिस्क। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लॉटर दोस्तों, क्या हो जाएगा प्लॉटर इज द राइट आंसर। प्लॉटर हमारा क्या नहीं है, प्लॉटर हमारा कोई भी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगी होती है, पेन ड्राइव छोटी सी प्लास्टिक की होती है, सीडी आप जानते ही हो गोल गोल होती है वो, ठीक है ना, जो डीवीडी प्लेयर्स में लगी होती है। सीडी का प्रॉब्लम होता है हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क, क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टार, बी हो जाएगा रिंग, सी हो जाएगा स्क्वायर, बी हो जाएगा बस दोस्तों। तो याद रखिए टोपोलॉजी होती है 7-8 प्रकार की होती है, मैं आपको बता भी चुका हूँ और मैं आपको डिटेल से इनको पढ़ाऊंगा भी। तो टोपोलॉजी का एक प्रकार कौन सा नहीं है, तो स्क्वायर हमारा टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। बाकी स्टार जो होता है, स्टार की आकृति नुमा होता है, रिंग होता है एक, ठीक है ना, बस होता है, बस में देखा होगा आपने ऐसा होता है, तो ये सारे टोपोलॉजी के एक प्रकार है। लेकिन जो स्क्वायर है हमारा वे कोई भी टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है क्लास और कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे। हम धीरे धीरे क्लास को अपनी बढ़ाते चलेंगे, टाइम बढ़ाते चलेंगे, क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा करेंगे। बस रिक्वेस्ट ये है प्लीज दोस्तों, चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।